तमिलनाडु की कंपनी ने गुरु हरगोबिंद साहब छेवें पातशाह उन्हां दी तस्वीर अपनी बीड़ी जिहड़ी हैगी उहदे ते रैप ते लाई आ ऐड वास्ते, क्योंकि ये कंपनियां वालियां दा एक मूँह जिहा पै गया भी ये अपनी जिहड़ा प्रोडक्ट आ उहनूं पापूलर करन दी खातर इस तरह की कुछ ही हरकत करते हैं और बाद च माफ़ी मंग लैंदे ने। सिखां दे हिरदिआं नूं बलूंदरन वास्ते जानबुझ के कीती गई हरकत आ, ये कोई ये नहीं भी पहली बार हुई है। चाहवांगे भी जल्दी तो जल्दी पंजाब की पुलिस लुधियाना पुलिस ये मुकदमा दर्ज करे कि उस जिहड़ा है दोषी आ उहनूं फड़ के लिया के इत्थे सलाखां दे पिछे दित्ता जाए, क्योंकि समाजिक अदारे से अगर हम देखें तो इस समाजिक में इतनी कुरूतियाँ भी फैल रही हैं, गलत मैसेज भी जा रहे हैं। कानून की नज़र जो हो सकता ना फड़ा जाए पर परमात्मा की नज़र तो नहीं बच सकता। अभी इस तरह से बढ़ते मामलों को देखते हुए क्या कुछ आप कदम उठाएंगे? देखो कदम तो प्रशासन ने उठाने होंगे, असं तो बेनती कर सकते हैं अपने स्तर पर। आप क्या करें अपना, देखो अपने बचाव ही बचाव है, अपना बचाव करने की कोशिश करो, फिर भी जो कोई इदा की हरकत करता उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, बाकी मालिक देखूगा। गुरु साहब नूं नीवां दिखाउणा जां सिख धर्म नूं नीवां दिखाउणा ये एक सोची समझी साजिश है, बल्कि सारे जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब नूं मनण वाले आ उहनां दीआं भावनावां नाल बड़ा वड्डा खिलवाड़ कीता। मैं कहांगी ये बड़ी घिनौनी हरकत आ। सिख धर्म विच जो तंबाकू है उहनूं गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जगत झूठ कहा सी। किन्नी घटिया सोच लोगों की कि अपनी कंपनी की अपना माल बेचण की खातर इन्ने वड्डे गुरु साहब का जिहड़ा इन्हां ने निरादर किया। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहित है। बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेज़ी से वायरल हुई थी, जिसमें बीड़ी के बंडलों पर गुरु साहिबान की जो तस्वीर लगाई गई थी, जिसके बाद सिख जो समुदाय हैं उनकी भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंची और जिसके बाद लगातार बेअदबी के बढ़ते मामलों पर नकेल कसने के लिए सिख समुदाय की तरफ से अलग अलग सियासतदानों की तरफ से एड़ी चोटी का जोर तक लगाया जा रहा है। वहीं इस वीडियो को लेकर इस बीड़ी के मंडल पर लगाए गए तस्वीर को लेकर आज अकाली दल सीपी दफ्तर पहुँचा है मांग पत्र सौंपने के लिए, FIR दर्ज करवाने के लिए। कई बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, यहाँ DC दफ्तर पहुंचने का बेसिक मकसद क्या था? आज ना एक तमिलनाडु की कंपनी ने गुरु हरगोबिंद साहब छेवें पातशाह उन्हां दी तस्वीर अपनी बीड़ी जिहड़ी हैगी उहदे ते रैप ते लाई आ ऐड वास्ते जी। उहनूं देखण तों बाद विश्व विच वसदे सिख संगतां गुरु साहब नूं मनण वाले ना गुरु नानक नाम लेवा संगतां दे मन नूं बहुत भारी ठेस पहुँची जी। मुजहरे भी होए, कई थावां दे उत्ते एप्लीकेशनां भी मूव होईयां उहनां दे खिलाफ़, कानूनी कार्रवाई करन वास्ते अदालतां विच भी गईयां संगतां। असीं श्रोमणी अकाली दल दे साडे लीगल जिहड़े प्रधान ने स्टेट दे परपकार घुम्मण साहब उहनां दे, क्योंकि उहनां नूं पार्टी वल्लों हदायत आई सी भी CP साहब नूं कंप्लेंट करके FIR दर्ज कराई जाए, क्योंकि ये कंपनियां वालियां दा एक मूँह जिहा पै गया भी ये अपनी जिहड़ा प्रोडक्ट आ उहनूं पापूलर करन दी खातर इस तरह की कुछ ही हरकत करते हैं और बाद च माफ़ी मंग लैंदे ने। सो FIR करवाउणी बहुत जरूरी है इन्हां दे खिलाफ़ भी, तां जो अगे तो कोई कंपनी इदां दी हरकत ना करे, क्योंकि ये धार्मिक मर्यादावां दे नाल जुड़ी हुई गल आ, सिखां दे हिरदिआं नाल जुड़ी हुई गल आ और साडे धर्म दे विच ये नशे दा बीड़ी वगैरह पान शराब जो भी है ये साडे धर्म दे विच अलाउ नहीं, तो जानबुझ के यह सोची समझी साजिश के अधीन जानबुझ के उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मशहूर करने वास्ते और साडे सिखां दे हिरदिआं नूं बलूंदरन वास्ते जानबुझ के की गई हरकत आ, ये कोई ये नहीं भी पहली बार हुई है। जो पहली बार होंगी है माफ़ी मांग लेंदे, असीं चुप कर जाने, शांति हो जाती है, तो करके लोग दुबारा दुबारा हरकत करते हैं। सो इस करके अज FIR कराने का फैसला किया गया और असीं यह चाहवांगे भी जल्दी तो जल्दी पंजाब की पुलिस लुधियाना पुलिस ये मुकदमा दर्ज करे कि उस जिहड़ा है दोषी आ उहनूं फड़ के लिया के इत्थे सलाखां दे पिछे दित्ता जाए और एक एग्जाम्पल सैट की जाए अगे तो यह जी कोई हरकत ना करे। लगातार हम देख रहे हैं कि बेअदबी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस पर नकेल कसना किसकी बेसिकली जिम्मेवारी है? क्योंकि सामाजिक अदारे से अगर हम देखें तो इस सामाजिक में इतनी कुरूतियाँ भी फैल रही हैं, गलत मैसेज भी जा रहे हैं। देखो ये इन चीज़ों को रोकने की जिम्मेवारी तो सरकार की होंगी है जी, पर सरकार कितना कित इन गलों के फेल हो जाती है, क्योंकि हर गुरुद्वारे हर मंदिर हर धर्म स्थान के उत्ते सरकार ड्यूटी नहीं दे सकती, वो जो प्रबंधक कमेटियां उन्होंने भी जिम्मेवारी बन जाती है भी अपने अपने गुरु घर अपने अपने मंदिरों में अपने अपनी संस्थावान संभाल के रख, CCTV कैमरे ला प्रॉपर प्रबंध कर, जो इस तरह की कोई घटना ना हो। पर साड़ी मानसिकता की गल आम करके हरेक मनुख की मानसिकता की गल आ भी इदा का पाप नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़े पाप ने, ये पाप ये नहीं है भी अपन यदा कोई इमीजिएटली साढ़े ते कोई इफेक्ट नहीं, ये महसूस करते लोग भी सानू की हो चलिया,
इमीजिएटली इहदा इफेक्ट ना होवे, पर इह पुस्तां तक इहदा असर रहिंदा। ये धर्म जिहड़ा ना धर्म के नाल बेअदबी करनी, धर्म नाल छेड़छाड़ करनी गुरु साहब दे, क्योंकि एडे महान तपस्वी इन्नी महान शक्ति दे मालक, जे असीं उहनां नाल छेड़छाड़ करांगे ना, समर्थ गुरु आ गुरु ग्रंथ साहिब जी, जे कोई इहदे नाल छेड़छाड़ करके कहे भी मैं लुक जूंगा मैं छिप जूंगा, ठीक आ कानून की नज़र चो हो सकता ना फड़िया जाए, पर परमात्मा की नज़र चो नहीं बच सकता। जिहड़ा परमात्मा की नज़र ऐसी है, उहदी लाठी ऐसी है जिहदी आवाज़ आउंदी नहीं, पर सट बहुत ज़्यादा वज्जी। अभी तो जैसे आपने FIR दर्ज करवाई है, अभी मांग पत्र भी देने आए हैं, लेकिन इन फ्यूचर अभी इस तरह से बढ़ते मामलों को देखते हुए क्या कुछ आप कदम उठाएंगे ताकि इस पर नकेल कसा जा सके? देखो कदम तो प्रशासन ने उठाने होंगे, असं तो बेनती कर सकते हैं अपने स्तर पर, आप क्या करेंगे? तो असं तो बेनती करते हैं सारे गुरु घर, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी की है, साढ़े सिंह साहब ने भी की है, भी अपने अपने गुरु घर के CCTV कैमरे लाओ, वो चौकीदार वगैरह रखो, होर सारा इदा का प्रबंध करो, तो जो इदा की कोई हरकत कर ना सके। अपना देखो अपने बचाव में ही बचाव है, अपना बचाव करने की कोशिश करो, फिर भी जो कोई इदा की हरकत करता वे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, बाकी मालिक देखूगा। सत श्रीकाल सर, क्या क्या पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी, चली पीरी सोढ़ियाँ रूप दिखाण वारो वारी, दल भंजन गुर सुरमा बड़ जोधा बहु पारो पकारी। ऐसे दीनदयाल सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह जी छेवें पातशाह, गुरु नानक साहब की छेवीं जोत, जिन्होंने समाज लिए लुकाई लिए बहुत कुछ किया, और सारे धर्मां दे सांझे ने, कल्ले सिखां दे नहीं, ओह गुरु सांझे सारे धर्मां दे सांझे। उन्हां दी एक बीड़ी दे बंडल दे उपर फोटो ला के गुरु साहब नूं नीवां दिखाउणा जां सिख धर्म नूं नीवां दिखाउणा, ये एक सोची समझी साजिश है। और अज असीं अपनी पार्टी वल्लों परपकार सिंह घुम्मण जी, रणजीत सिंह ढिल्लों जी, बीबी सुरिंदर कौर दयाल जी, साडे सारे आगू ने जिहड़े इन्हां दी अगवाई दे हेठ असीं मंग पत्र देण आए हां CP साहब नूं, ये ते एक्शन लिया जाए। एक्शन नहीं लिया जाता तो असं अगे कोई ना कोई सख्त कदम चुकन लई मजबूर होवांगे जी। क्या कहना चाहिए मैम? सत श्री अकाल जी। बीड़ियां बनाने वाली एक कंपनी ने जी, सारे ने वायरल हुई और देखी है कि उस बंडल के उत्ते साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की तस्वीर लगा के फोटो लगा के इन्होंने सिख धर्म दे के बल्कि सारे जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनण वाले आ उन्हां दीआं भावनावां नाल बड़ा वड्डा खिलवाड़ किया। मैं कहांगी ये बड़ी घिनौनी हरकत आ, क्योंकि सब नूं पता कि सिख धर्म विच जो तंबाकू है उहनूं गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जगत झूठ कहा सी, उहनां ने बहुत पहलां जगत झूठ इस करके कहता सी। अज दे समें विच वी तुसीं देखदे हो कि जिहड़ा सिगरट दा वरतों करदा उन्हों तकरीबन कैंसर हो जाती है जी। सो गुरु साहब ने एडा वड्डा फलसफा दिता और साडिया इन्हां भावनावां खिलवाड़ करन लई इन्हां ने वो फोटो लाई है गुरु साहब की। और मैं कहनी हाँ ये एक अपनी एक मानसिकता सिख मानसिकता की निशानी है, और मैं सोचती हाँ किन्नी घटिया सोच लोगों की कि अपनी कंपनी की अपना माल बेचने की खातर इन्ने वड्डे गुरु साहब का जिहड़ा इन्होंने निरादर किया। और असी अज सारे ने सरदार परपकार सिंह जी घूमण जो साडे लीगल सैल दे प्रधान ने श्रोमणी अकाली दल दे, ते सरदार सुखबीर सिंह होरां ने हदायत दित्ती सी कि CP साहब नूं मिल के इस कंपनी दे अगेंस्ट जिहड़ी हैगी FIR दर्ज करवाई जावे, ते सरदार रणजीत सिंह ढिल्लों जो साडे प्रधान ने, ते असी सारे अकाली दल वालिआं ने एक उहनां नूं मेमोरेंडम दित्ता और उहनां नूं रिक्वेस्ट कीती आ कि उस कंपनी दे अगेंस्ट मालक दे अगेंस्ट FIR दर्ज की जाए तो उन्होंने जेल च बंद किया जाए ताकि अगे तो इस तरह की कोई घिनौनी हरकत ना कर सके जी। ये अकाली दल की तरफ से आज CP साहब को एक मांग पत्र सौंपा गया जो कि गुरु साहब की बेअदबी का मामला है, और बीड़ी के एक बंडल पर गुरु साहब की तस्वीर लगाई गई है जिससे इनकी सिख जो समुदाय उनकी भावनाओं को आहत पहुंची है, ठेस पहुंची है, जिसके कारण इन्होंने मांग पत्र दिया है। और इवन ये भी कहा है कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो ये आगे सख्त कदम उठाने को मजबूर होंगे। इसी तरह से लेटेस्ट यूनिक अपडेट के लिए आप बने रहें जनहितैषी के साथ। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।